हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन आज से 4 दिवसीय प्रतियोगिता का एसएमएस स्टेडियम में होगा आयोजन। शाम 5 बजे प्रतियोगिता का उद्घाटन। नागौर से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई 66 महिला खिलाड़ियों को नहीं मिला रूम। मुख्यमंत्री आवास स्तर पर जानकारी मिलने पर लिया गया तुरंत संज्ञान। रात को ही लड़कियों के लिए रहने और खाने का किया गया इंतजाम। अजमेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुलाबबाड़ी स्थित नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। 75 लाख की लागत से बनी इस डिस्पेंसरी में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के युद्ध स्थली रक्त तलाई का किया अवलोकन। पिंक सिटी के बाजारों में इस बार दिवाली पर लाइटिंग में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की झलक दिखाई देगी। जयपुर मेयर ने जयपुर के सभी व्यापारियों से इसी थीम पर सजावट करने का आग्रह किया। सीकर के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में भारणी स्टैंड पर वसुंधरा राजे का स्वागत किया। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर उपज खरीद की तैयारी में सरकार। 27 अक्टूबर से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। मूंग के लिए 363 और मूंगफली के लिए 267 क्रय केंद्र खोले गए। नागौर के लाडनू की नवसृजित मालगांव ग्राम पंचायत भवन का विधायक मुकेश भाकर ने लोकार्पण किया। 4 कमरे और एक बड़ा हॉल बनाया गया। टोंक के मालपुरा उपखंड के नगर ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के लेट आने पर आक्रोशित ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने मेन गेट पर ताला जड़ दिया। जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी अगवानी की और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। वासुदेव देवनानी अपने 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक की। केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत 1 दिवसीय नागौर के जिले के दौरे पर रहे, जहां नावा मौलासार डीडवाना कोलिया जायल और नागौर में सैन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। मकराना में बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखे रखने के मामले में पुलिस ने एक स्टेशनरी सामान बेचने वाले व्यापारी के घर छापामारी कर लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए। त्योहारी सीजन को लेकर सवाई माधोपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की ओर से विशाल जन आकाश रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में जिले के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी को प्रशिक्षण देने और चुनाव जीतने के उद्देश्य से आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जा रहा है। दिवाली और पर्यटन सीजन पर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की चमक को निखारने के लिए नगर परिषद ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है। नगर परिषद के करीब 100 कर्मचारी रात के समय भी सफाई व्यवस्था में जुटे हुए हैं। पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया प्रतापगढ़ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए उदयपुर से सड़क मार्ग से प्रतापगढ़ की ओर जा रहे थे। बीजेपी लक्ष्मणगढ़ में 17 अक्टूबर को हुकार रैली कर रही है, जिसे लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। शिविर के पहले दिन युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
वसुंधरा राजे उदयपुर वाटी की शाकंभरी माता दर्शन करने के लिए निकली। चौमू शहर में राधा स्वामी कट पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता ने राजे को हनुमान जी की प्रतिमा देकर उनका स्वागत किया। चुरू की सादुलपुर तहसील में नए डीएसपी नंदराम भादू के सादुलपुर पदस्थापन की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। नीमका थाना में रेवाड़ी से जयपुर सीधी ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल विस्तार संघर्ष समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल यादव के नेतृत्व में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में मिलावटी दूध का टैंकर पकड़ा गया है। तिजारा के हमीरका गांव के एक डेयरी में कार्यवाही की, इस पर टीम ने टैंकर में भरे 1500 लीटर दूध को वही मौके पर नष्ट कर दिया। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में नकली मसाला नकली तेल पकड़ा गया। राजावास के त्रिवेणी नगर में नकली देसी घी के गोदाम पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो वहीं एक आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने इकोलॉजिकल जोन आगरा रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी थी, प्रवर्तन दस्ते ने निर्माण ध्वस्त कर दिए। सवाईमाधोपुर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा त्योहारी सीजन के चलते मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने को लेकर जिले के गंगापुर सिटी में सीएमएचओ के नेतृत्व में सिंधी कॉलोनी स्थित एक फर्म पर छापेमारी कार्रवाई की गई। जोधपुर के बासनी थाना इलाके के बिहारी कॉलोनी के पास चाकू लगने से घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर में अरावली विहार थाना पुलिस ने सूने मकानों की रेकी कर मकानों में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अजमेर की पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रतापगढ़ में 9 साल पहले एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। कोटा जिले के सातलखेड़ी कस्बे के वार्ड नंबर 22 में एक नाबालिग बालिका ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, वहीं पुलिस सुसाइड के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। चुरू के बिदासर के वार्ड नंबर 3 के ओसवाल पंचायत भवन में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। सीकर के धोत थाना इलाके में बदमाशों ने शराब के लिए मना करने पर सेल्समैन और संचालक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट के बाद बदमाशों ने 80,000 रुपए भी लूट लिए। राजसमंद की आमेट थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों रुपए की चोरी की वारदात में शामिल दूसरे आरोपी साहिल पिंजारा को दबोचा। कोटा के राजीव गांधी इलाके में एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। मृतक स्वर्णा शातनू कोलकाता का निवासी था। रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर निवासी एक महिला और 2 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध मौत हो गई। अलवर के निंद्राना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के पास कोलीला पुलिया के पास खेत में शव दबा होने की सूचना मिली। खेत में शव दबा होने की सूचना मिलने पर निंद्राना पुलिस के द्वारा गड्ढा खुदवाया गया। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के बाछडाऊ गांव में एक युवक के साथ मारपीट का मामला, वहीं मेडिकल की दुकान में जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ कर पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा दी गई। डूंगरपुर के चीपरी थाना पुलिस ने गडाजसराजपुर गांव में घर में बुजुर्ग की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पत्नी के प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मनु मार्ग पर
बाइक सवार युवक के साथ मारपीट कर मोबाइल छीनने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एमडी नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक और तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीकर के नीमका थाना में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने पाटन और नीमका थाना क्षेत्र में कार्रवाई की, साथ ही जांच के लिए 7 सैंपल लिए। नागौर के जायल में रीको क्षेत्र के सामने बंजर भूमि पर लगी आग, नागौर में 3-4 किलोमीटर में फैली आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर के जयपुर दिल्ली हाईवे नीमराना थाने के पास बजरी से भरे ओवरलोड ट्रॉला दूसरे ट्रोले से जा टकराया, जिसके बाद बीच रोड पर पलट गया। अलवर में एक सेंटर में स्कूल व्याख्याता की परीक्षा देने आए एक छात्र की रोडवेज बस के पहिए के नीचे दबकर मौत हो गई। अलवर शहर में हिंदू रीति रिवाज से मृत बंदर की शव यात्रा निकाली गई और हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया गया। हिंडौन के चौपड़ सर्कल के पास गेहूं की बोरियों में भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया, इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात कलाल घाटा के पास एक युवक को स्कूटी ने पीछे से टक्कर मार दी, हादसे में युवक की डूंगरपुर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जिसमें कवि कुमार विश्वास पहुंचे, बोरखेड़ा इलाके के महाराणा प्रताप रेजिडेंसी में निमंत्रित गृह पहुंचे, सहायता राशि भी वितरित हुई। चित्तौड़गढ़ में राजस्व दिवस पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। नसीराबाद के पास देराठू गांव में 3 अक्टूबर को 22 वर्षीय पिंटू रावत की बेरहमी से पीट पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई। मामले में चार में से तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन चौथा आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अलवर में विवाहिता के साथ गैंगरेप मामले में 3 सालों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को रामगढ़ पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया है। सीकर के फतेहपुर के सरस्वती पुस्तकालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तावित किसान सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर बैठक में चर्चा की। उदयपुर से अहमदाबाद हाईवे मार्ग पर एक बार फिर लंबा जाम लगा, जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हाईवे के बलीचा के पास एक ओवर ब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है। बीकानेर में मिलावट खोरों पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, घी कारोबारी पर छापेमारी, 426 लीटर नकली घी किया गया जब्त। सरदार शहर में स्कूल वैन को एक गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में स्कूल के एक दर्जन छात्राएं हुए घायल, सभी घायलों को निजी वाहन से लाया गया राजकीय अस्पताल। नशे में धुत था स्कूल वैन का ड्राइवर। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव झुंझुनू पहुंचे, वहीं लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित सुझाव भी दिए गए। अजमेर में पशु चिकित्सालय में श्वान का इलाज करवाने आए श्वान मालिक सहित उसके परिजनों द्वारा पशु चिकित्सालय के कार्मिकों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। अलवर में तक गाइड राज्य सरकार अभिशंसा पुरस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में जिले भर से स्काउट गाइड के 183 छात्राएं भाग ले रही हैं। उदयपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन समिति की ओर से फील्ड क्लब में 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। राजस्व दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले को सम्मानित किया गया। जिले के 25 राजस्व कर्मियों को जिला कलेक्टर और कार्यवाहक SDM ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राजसमंद के नाथद्वारा में अनियंत्रित ट्रक ड्राइवर चढ़ गया, डिवाइडर पर चढ़ गया ट्रक, इस दौरान बड़ा हादसा होने से चला। नाथद्वारा नगर में मुख्य चौराहे लाल बाग क्षेत्र की यह घटना। डूंगरपुर में
दाऊदी बोहरा समाज की ओर से कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए ईद मिलाद एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सीकर जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार फतेहपुर के पंचायत समिति परिसर शिक्षा विभाग में पंचायत समिति और शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों और स्काउट के विद्यार्थियों ने श्रमदान करते हुए सफाई की। भिवाड़ी के टपुकड़ा क्षेत्र के गांव राबड़का में बाबा बलदेव दास के विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने विशाल भंडारे में बाबा का प्रसाद ग्रहण किया, तो वहीं शाम को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। उदयपुर में जिला पुलिस की पहल पर इंटर स्कूल वॉल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन परिसर में सुबह आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने प्रतियोगिता का आगाज किया। कश्मीर में फिर कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग, शोपिया में आतंकियों ने गोली मारकर की हत्या, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी, कश्मीरी पंडित के मर्डर पर पीडीपी महबूबा मुफ्ती की सियासत। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। दिल्ली एनसीआर में फुल क्रीम और गाय का दूध 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा, आज से बढ़ी कीमतें लागू हो गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के पूर्ण निर्माण स्वरूप की तस्वीरें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की जारी, तस्वीरों में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आ रहा नजर। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर भारत 7वीं बार बना चैंपियन। फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका महिला टीम को 8 विकेट से हराया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कश्मीरी पंडित की हत्या की कड़ी निंदा की, उन्होंने कहा आतंकियों को इसके लिए सजा मिलेगी। कश्मीरी हिंदू पंडित की हत्या पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान की हर साजिश को करेंगे नाकाम। आर्थिक मोर्चों पर मजबूत हो रहा भारत, सितंबर में 4.82% बढ़ा देश का निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार में आई नजर। भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की का स्पेनिश अखबार ने उड़ाया मजाक, कार्टून से पेपर और ग्राफ को भगवा रंग में दिखाया। छात्रों ने दी यूपी पीईटी की परीक्षा, कानपुर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर छात्रों की उमड़ी भीड़। घाटी में टारगेट किलिंग के खिलाफ लोगों में आक्रोश, कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में जम्मू में लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। दीपावली पर आतंकियों की देश को दहलाने की साजिश का खुलासा, कई धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन आतंकियों के निशाने पर, हरिद्वार स्टेशन पर मिली चिट्ठी के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट। मिशन हिमाचल पर गृह मंत्री अमित शाह, सिरमौर में अमित शाह की रैली, हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होना है। सिरमौर में शाह ने जनसभा को किया संबोधित, शाह ने बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा बीजेपी सरकार में हिमाचल का विकास। सिरमौर में बोले अमित शाह, पीएम मोदी ने हिमाचल में संगठन का काम किया, हाटी समाज को मिलेगा आरक्षण का लाभ। सिरमौर में अमित शाह ने कहा एक बार भाजपा एक बार भाजपा, शाह रैली में जुटे युवाओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी में तैयार किताबों का करेंगे विमोचन, मध्य प्रदेश भारत में मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई वाला पहला राज्य बना। कर्नाटक के बेलारी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी की विचारधारा देश को कमजोर कर रही, बीजेपी आरएसएस देश को बांटने का कर रहे काम। बेलारी में राहुल गांधी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा भाईचारा के लिए यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, यात्रा में सब साथ साथ चल रहे। कांग्रेस नेता शशि थरूर का दावा, कहा मैं ही हूं कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार, अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें। बंगाल के हावड़ा में मां बेटे की सड़क हादसे में मौत, एम्बुलेंस की चपेट में आने से हुआ हादसा, गुस्साई भीड़ ने वाहनों में लगाई आग। हावड़ा में सड़क हादसे के बाद सड़कों पर बवाल, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम।
पीएम मोदी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म तिथि पर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो, विज्ञान में योगदान को लेकर एपीजे अब्दुल कलाम को किया नमन। पीएम पर जेडीयू के बयान को लेकर भड़की बीजेपी, रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा पीएम की लोकप्रियता से बौखलाए ललन सिंह, जनता जवाब देगी। 40 दिन की पेरोल पर सुनारिया जेल से बाहर आए राम रहीम, यूपी के बागपत के बरवाना आश्रम पहुंचे राम रहीम। एटा में तंबाकू व्यवसायियों के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, मुकेश यादव और सुशील चंद्र सोहारिया के कई ठिकानों पर छापा, भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद। यूपी के अलीगढ़ में एक होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा, आपसी झगड़े के चलते महिला ने प्रेमी के साथ की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने किया सरेंडर, अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में किया सरेंडर, पिछले 2 साल से फरार चल रहा था 1 लाख का इनामी पाटीदार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने छठ की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल और ग्वालियर दौरे पर कांग्रेस विधायक सतीश सीकर बार के विवादित बोल, कहा नहीं हो रही कोई तैयारी, आदमी की मौत आने पर गाड़ी जाती है बास बल्ली। ऑस्ट्रेलिया में आज से T20 वर्ल्ड कप का महाकुंभ होगा शुरू, दिवाली से एक दिन पहले भारत की टक्कर पाकिस्तान से होगी। ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के 1 माह बाद भी ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी, ईरान की सरकार को दुनिया भर में कड़े विरोध का करना पड़ रहा सामना। ऑस्ट्रेलिया के रोचेस्टर शहर में बाढ़ से भारी तबाही, सैकड़ों लोगों को बाढ़ से बचाया गया, ऑस्ट्रेलिया के 6 शहरों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी। बाइडेन के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान, परमाणु हथियारों के रखरखाव पर सवाल उठाने पर राजदूत को करेगा तलब, बाइडेन ने बताया था सबसे खतरनाक देश। और चलिए ऐसे